2 मिनट बाबा को याद करके आज की मुरली शुरू करेंगे। ओम शांति। आज मुरली का डेट 12 मई 2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी बहुत अच्छी आ रही है। बाबा को याद करके हम शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से पड़े मुक्त धाम जाना है, मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। यहाँ हम थोड़ा सा इस पॉइंट को, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा चर्न करके इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ बाबा ने कहा, तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। हमें क्या क्या बताना चाहिए सबको? घर का रास्ता बताना अर्थात हमें क्या समझाना है? बाबा हमारे कौन से कर्तव्य को यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? नहीं तो दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, कुछ ज्यादा अभी विचार में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे किसी ने जाना नहीं है वो कि मेरा भी कोई घर है, मैं आत्मा हूँ और मेरा भी कोई अलग घर है जो मेरे बाप का भी घर है, वो अभी जाना ही नहीं था। भल सन्यासी लोग कहते थे कि ब्रह्म में लीन होना है। ब्रह्म को एक, जैसे अभी हमने समझा है, ब्रह्म तो एक तत्व है, तो उनको घर का आकर्षण था या उस तत्व का आकर्षण था पता नहीं था। तो जब मुझ आत्मा को पता चला है कि वो घर है, अब महसूस भी होने लगा है कि वाकई जो बाबा बोलता है ना, वो स्वीट होम है, तो वो है वैसा। तो जो मुझे अनुभूति हो रही है वो मैं सबको बताऊं, क्योंकि घर जाना शायद एक बहुत सुखद, शायद नहीं है, एक बहुत सुखद अनुभूति है किसी बिछड़े हुए व्यक्ति के लिए जो बिछड़ गया है, घर से कहीं दूर चला गया है। अब जब वो घर लौटता है और अगर उसको कोई एड्रेस प्रॉपर बता दे, तो ये सबसे बड़ी सेवा जैसे हो जाती है। किसी अनाथ को ये बता दे कि उसका पिता कौन है, कहाँ रहता है, उसको भी उसके पास जाना चाहिए। तो यही हमारा कर्तव्य अभी समझ में आ रहा है दीदी। मेरे ओम नहीं। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम यहाँ शांति। जैसे बाबा हमको हमारा कर्तव्य समझा रहा है कि अगर हम बाप अपने बाप को फॉलो कर रहे हैं, इतना सन शोज फादर, तो जैसे बाबा आया है मुक्ति और जीवन मुक्ति देने, तो ये हमारा भी कर्तव्य है। और बाबा जैसे कहते हैं कि तुम मेरे पोर्टल्स हो, मैं तुम्हारे थ्रू ही सब तक पहुंचता हूँ, सबको एक साथ तो नहीं पहुंचूंगा। तो जैसे हम आधार मुहूर्त और उद्धार मुहूर्त हैं, कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं और स्टेम में हैं, तो हमसे ही सबको
ये पता मिलने वाला है। और कर्तव्य बता रहा है, सेवा बता रहा है बाबा कि तुम्हारा तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हें करना क्या है। तो जैसे बाबा सब कुछ यहाँ पर हमको बता रहा है कि भले कोई बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, उसको बाबा का ज्ञान देकर, उसको आत्मा और बाबा का परिचय देकर, परम धाम का परिचय देकर उनको बताना है कि अब रास्ता खुलने वाला है, अब पोर्टल्स खुलने वाले हैं और उन पोर्टल्स से तुमको अब सबको निर्वाण धाम जाना है। तो ये रास्ता बताने वाले बाबा ने हमको बताया और हमको आगे बताना है। शुक्रिया किशन जी, वेरी नाइस। कोई और ऐड करेगा? ओम शांति देवो बे। ओम शांति माँ दीदी। मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे जैसे बाबा ने कहा कि बूढ़े जवान बच्चे सबका वानप्रस्थ अवस्था है जी, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आत्मा सुख को ढूंढते ढूंढते क्योंकि ये गिरावट का पीरियड है तो गिरते गिरते एकदम लास्ट स्टेज में आ गया, फिर भी वो सुख से तृप्त नहीं हुआ क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो नहीं मिला और आत्मा थक गई है। और जब भी थकान होता है हमें घर जाना जरूरी होता है क्योंकि घर में ही सबसे ज्यादा हमें रेस्ट मिलता है, वहीं पे सुकून मिलता है कि एक पिता का छाया मिलता है या माँ का छाया मिलता है जिससे हमें रेस्ट मिलता है। और ये हम सोचते ही जब अभी भी हम सोचते हैं कि माँ बाप का एक स्थान जहाँ पे माँ बाप है वहां पे जानने का हम सोचते हैं तो हमें भी रेस्ट का अनुभव होता है। तो बाबा शायद हमें यही कह रहे हैं, बाबा का जो कर्तव्य है दुख हरता सुख हरता तो वो दुख से निकाल कर आत्माओं को उस सुख का रेस्ट में ले जाना, यही मीन करते होंगे जी। थैंक यू दीदी। तो जब हम एक दूसरे को शेयर करते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से सारी बातें और क्लियर होती है। थैंक यू सबका। हाँ जी, हाँ जी। आजकल जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो फट जैसे व्हाट्सएप है या कहीं पे भी हम फट लिख देते हैं रेस्ट इन पीस जी, रिप रिप लिख देते हैं। अब वो रिप का असली मतलब लिखते सभी है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या मतलब हो रहा है इसका। असली मतलब बाबा ही हमें समझा रहे हैं, असली मतलब हम जिंदा होते हुए भी, जरूर नहीं हम शरीर छोड़ के ही रिप में जाएं, हम इस शरीर में रहते हुए भी रेस्ट इन पीस में जा यानी परम धाम जाकर बाबा के पास जाकर बैठकर हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रास्ता बताने वाले ही हम ही हैं, हमको बाबा ने बताया और हमको सबको बताना। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छे से जब एक दूसरे अपने पॉइंट शेयर करते हैं तो हम जो मूल पढ़ रहे हैं या जो सुन रहे हैं सबका कितना कितना अच्छा अच्छा डाउट क्लियर होता है और जितना कितना पॉइंट्स अपने हमको भी पता चलता है मनन करने के लिए। तो जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। बाबा का प्रश्न है, बाप की श्रीमत हर बच्चों के प्रति अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, क्यों? प्रश्न है, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, क्यों? तो हमें तो लगता है कि सबको एक तरीके का ही श्रीमत मिलता है लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं कि सबका अलग, सबको अलग अलग श्रीमत है, ऐसा क्यों? तो इस बारे में क्या सोच हो सकती है हमारी, कोई बता सकते हैं कि बाबा क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? हमें आगे पढ़ेंगे, पहले थोड़ा हम लोग चर्न कर लेते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी इसमें यही समझ में आ रहा है कि जैसे बाबा कहता है कि तुम बीमार हो गए हो तो हर आत्मा का जो बीमारी का स्तर है वो अलग अलग है। किसी को क्या बीमारी है, किसी का पवित्रता का जो ग्रेड है कितना डाउन हुआ है, कोई अंत जन्म में भी किसी की अवस्था उसमें बहुत गुण होते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे में सहनशीलता बिल्कुल नहीं है लेकिन ऐसी भी आत्माएं देखी जो इस गुण से जैसे भरपूर थी, इस शक्ति से भरपूर थी जी। तो वो मेरा जो लेवल है सुधार का और गिरने का वो दोनों अलग अलग है। तो बाबा उस अकॉर्डिंग ही श्रीमत देता है कि कोई लोग बहुत लंबे टाइम चलते हैं तो पुरुषार्थ फिर भी उनका स्लो रहता है,
कुछ लोग बाबा कहता है लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाते हैं, तो ये उनकी अवस्था इतनी वैरायटी है, तो बाबा हर किसी को उस हिसाब से फिर श्रीमत देते हैं, इस बच्चे को इस चीज की नीड है, इस बच्चे को इस चीज की नीड है। ओम शांति जी। देखो बहन, इससे एक स्टेप अगर और अपन ऊपर जाएं, तो हर आत्मा अपनी अपनी जर्नी करके आई है जी। 63 जन्मों की जर्नी सबकी अलग अलग है, कोई भी एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिलती नहीं है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते जी। ऐसे हमारी जर्नी भी नहीं मिलती है। तो चूंकि हमने इन 63 जन्मों की जर्नी अलग अलग रही है, तो इन 63 जन्मों में ना हमने क्या क्या खोया, क्योंकि खोया ही है हमने जी। और अभी पाने का समय है, तो कितना खोया अब कितना पाना है, इसका लेवल सबका अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं कि नब्ज देख कर ट्रीटमेंट करो, जी डॉक्टर भी यही करता है ना, नब्ज देखता है, उसकी डिजीज देखता है, उसको डायग्नोसिस करता है, उसको डीडी करता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करता है कि कहाँ कहाँ क्या है, ये है ये है, ये हो सकता है ये नहीं हो। जी कहते हैं कि तुम भी मैं भी मतलब सब आत्माओं को अलग अलग क्या उनकी बताया उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं बाबा। जी वेरी नाइस। ओम शांति। देखो पे मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है। हाँ दीदी। कि हर आत्मा का अवेकनिंग का जो एक पॉइंट है वो डिफरेंट है, कोई कुछ पॉइंट को समझ पॉइंट का समझ आ जाता है और उससे आगे बढ़ जाता है कोई और पॉइंट, तो उसके हिसाब से शायद बाबा श्रीमत टच करवाते हैं। वैसे तो श्रीमत कॉमन देते हैं, पर जो श्रीमत एक एक आत्मा को टच करवाते हैं वो डिफरेंट है। जैसे दीदी एक लाइन और ऐड करनी थी, जैसे हाँ संकल्प आ रहा था, जैसे हम लोग गिरे हैं, जैसे दीदी कोई ऊंचाई से गिरा है, तो हर एक की गिरने की ऊंचाई अलग अलग है, तो उसको चोट लगी है ना वो भी अलग अलग है, तो उस हिसाब से बाबा ट्रीटमेंट देता है। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी बाबा का उत्तर पढ़ते हैं। जैसे जैसे सब सबने जो कहा उसको समराइज करते हैं, काफी अच्छा कहा। जो जो हम बाबा नस देख के, हमारे डिफरेंट जन्म और कर्म देख के, और जो अवेकनिंग स्टेट है वो देख के बाबा ज्ञान देते हैं, जैसे कृष्णा दीदी, हिमा दीदी और नीतू बहन ने कहा। तो अभी देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं हमको। मुझे भी ऐसा ही लगता है जो ये आंसर है। अभी देखते हैं आगे बाबा क्या कहते हैं। उत्तर है, क्योंकि बाप हर बच्चे की नफ्स देखे, सर्कमस्टेंस देखे, देख देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सर्विस में पूरा लग जाओ, बाकी सबको तो यह नहीं यहां नहीं बैठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसा सर्विस कर वर्षा लेना है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सखीले दी बच्चों ने गीत सुना, शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और यहां जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। यहां कितने आश्रम हैं जहां वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं, यहां यह भी जैसे डमरू बजाते हैं, यह भी जैसे डमरू बजाते हैं। कितने आश्रम हैं जहां मनुष्य जाकर रहते भी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं। तो बाबा ने यहां कहा कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और यहाँ जो डमरू बजाते हैं उन्हें शंकर कह देते हैं। यहाँ कितने आश्रम हैं जहां वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं, यह भी जैसे डमरू
बजाते हैं, मतलब यहाँ जैसे एक, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो जैसे चल रहा है कोई एक पार्ट की तरह, एक रेगुलर क्या बोलते हैं कि एक एक वाणी की तरह वो चल रहा है, कितना कोई फॉलो कर रहा है या कितना कोई, जैसे यहाँ बाबा ने कहा है कि कितने आश्रम है जहां मनुष्य जाते रहते हैं परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं, तो उनका हमारा एम ऑब्जेक्ट और उनके एम ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, या जैसे यहाँ पे बाबा ने कहा है कि उनका कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो जो गुरु आदि उनको फॉलो करते हैं उनका कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है क्या, या हमारे एम ऑब्जेक्ट से उनका एम ऑब्जेक्ट कैसे डिफरेंट होता है, क्या सोच सकते हैं यहाँ पे? दीदी, जैसे वो लोग किसी चीज को पढ़ाई की तरह नहीं लेते हैं, जैसे जैसे जो गीता है उसमें भी दीदी इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, अगर कोई फॉलो कर ले तो उसका जीवन बहुत एक उच्च स्तर का हो जाए। जैसे हम कोर्स कराते तो मैं अक्सर वो बातें बोलती हूँ कि भाई आप उस गीता में आपने ये सुना तो कितना धारण किया, तो उनका ये है कि बस सुन लो, सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा, अपने में चेंज नहीं करना है। और उनका लक्ष्य ये रहता है कि कितनी बार सुना, रोज सुनना ही है। इवन उनका जो धारणा होती है, कथावाचक जो भी होते हैं, उनकी हमसे बहुत अच्छी धारणा होती है कि नहीं कथा में जाना ही है, कथा सुनना ही है, इतनी बारी माला फेरनी ही है, तो ये है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का कोई उसमें वो नहीं है टारगेट, तो भले वो कुछ सुन रहे हैं समझ रहे हैं लेकिन उससे उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है कि उनकी अवस्था एलिवेटेड हो रही है, कि वो आगे इससे भी ऊंचे लेवल पे जा पा रहे हैं, वो मनुष्य से ऐसे ही कह लो कि बहुत अच्छे सद्गुणों वाले मनुष्य बनना चाहते हैं, तो इस तरह का उनका कोई एम नहीं है। और हमारा एम तो जैसे कोई सोच ही नहीं सकता, इस तरह का बाबा ने हमें नरसिंह नारायण का एम दिया। ओम शांति, ओम शांति जी, ओम शांति देवबेन, ओम शांति कृष्णा दीदी। डमरू का जैसे बाबा ने बोला ना कि डमरू वहां भी बजता है और शिव का डमरू यहाँ भी बज रहा है जी, तो डमरू का जैसा मतलब है ना, यहाँ का डमरू वहाँ का डमरू की केवल एक आवाज आ रही है, और वहाँ कोई डमरू बजाने वाले भगवान नहीं है, देहधारी है, और यहाँ जो डमरू बज रहा है वो शिव बाबा का, यानी आगम निगम का भेद खोले। जब जब भी बाबा का डमरू बोले आगम निगम का भेद खोले, तो यहाँ हमको आदि मध्य अंत का जो भेद, जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल रहा है। वहां डमरू बज रहा है लेकिन कुछ भी उस डमरू की आवाज से कुछ भी उनको प्राप्ति नहीं हो रही है, और यहाँ के डमरू की आवाज से बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है। हमारी दिव्य बुद्धि का गेट, जो जन्मों की जो परतें हैं वो खुलती जा रही है। जैसे कल भी हमने जो स्टडी करी उससे हमारी कितनी परतें खुली जी, तो ऐसी परतें वहां नहीं खुल रही है। तो यहाँ हमारा एम हो रहा है कि खुद भी हम निर्वाण धाम जाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे, पहले मुक्ति को पाएंगे फिर जीवन मुक्ति को पाएंगे, और हम और लोगों के लिए भी जैसे रास्ता बना रहे हैं। जब भी हम एक ज्ञान का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमारा एक न्यूरॉन खुला माइंड का, ब्रेन का, तो हमारे एक न्यूरॉन से हजारों करोड़ों लोगों के न्यूरॉन्स खुल रहे हैं। यानी यहाँ जो डमरू बज रहा है, हमारा भी डमरू बज रहा है, बाबा का भी डमरू बज रहा है, हमारे डमरू बजने से, अगम निगम के भेद खुलने से हजारों करोड़ों आत्माओं के ब्रेन के न्यूरॉन्स खुल रहे हैं जी जी ये डिफरेंस है। ओम शांति, ओम शांति। सो जैसे ओम शांति, ओम शांति, दीदी इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगी कि यहाँ पर हमें अभी समझ मिली है कि दो युग है, द्वापर और त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जो भी हमने सेंस करे हैं, जो भी हम जितने भी डिग्रेशन हुआ है हमारा, हमें उसे हायर स्टेज में फिर से वापस जाना है। ऐसा वहाँ पे कोई ज्ञान नहीं है जी, कि हमें बाबा को याद करके जो है अपनी ऐसी हायर स्टेज पर जाना है। ओम शांति, ओम शांति जी। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, एक बार के लिए हम खुद भी ये डिफरेंस देख सकते हैं कि
और हमको पता चलेगा कि कितनी सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है, जब हमको ज्ञान नहीं था, जब तो हमने हमारी जो हम भी ऐसे ही थे शायद, तो ऐसे कितने हमारे आसपास हैं सभी आत्माएं जो अभी ऐसे अज्ञान स्थिति में हैं, तो हम जितना जितना बनेंगे हम उतना उनको शेयर कर सकते हैं, उनको उतना बाबा के करीब और ज्ञान के करीब लेके जा सकते हैं। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। सोचते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहाँ ही प्राण त्यागेंगे, परंतु वापसी तो कोई भी जान नहीं सकते, वह लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइन मेरे को बहुत टच हो रहा है, जैसे बचपन में मैंने अपनी लौकिक में जो मेरी मम्मी है उनको देखा है, वो काफी गुरु आदि करती हैं अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऐसा होता था कि घर में इतने बड़े तस्वीर लगे हुए थे गुरु के, तो मुझे काफी अजीब लगता था कि कभी कुछ बोल दो उन गुरु के बारे में या कुछ ऐसा कर दो तो मेरी माताजी बहुत गुस्सा हो जाती थी, तो समझ में आता था। अभी जब मैं देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है, रिफ्लेक्ट करती हूँ तो, कि शायद वहां पर जैसे बाबा ने यह कहा है कि वो लोग अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं, तो ये पॉइंट मुझे बहुत रिलेट हो रहा है कि वो उसको ऐसे भगवान मान लेते हैं, या उनके बारे में कुछ बोल दो या कुछ ऐसा कमेंट कर दो तो इतना गुस्सा आ जाता है उनको, या तो खुद ही जैसे डेली उनको पूजा की तरह करते हैं, तो ये एकदम सही पॉइंट जैसे बाबा ने यहाँ पे कहा है। यहाँ तो बच्चे जानते हैं। ओम शांति देवो बहन। ओम शांति। एक चीज मेरे ये अभी संकल्प में आ रही थी कि जैसे बाबा की स्थापना का कार्य चालू हुआ, बाबा कहते हैं ना स्थापना विनाश एक साथ चालू हुआ है, जब बाबा आए और प्रवेश हुआ, बाबा ने ज्ञान सुनाना चालू, वैसे विनाश की कहानी भी स्टार्ट हुई। तो यहाँ जैसे जितना जितना हमारा, जैसे आपने कहा ना, जितना जितना हमारी बुद्धि खुलती जा रही है, तो भले हम ज्ञान सुनाए या ना सुनाए, मुख से वाचा करें या ना करें, किसी को ज्ञान दे या ना दे, लेकिन जितना जितना हमारी बुद्धि खुलती जा रही है तो जैसे विनाश भी की भी कार्य अपनी परिपूर्णता पे जा रहा है, तो उतना ही उतना जो जो विनाश के कार्य में जो आत्माएं लग रही हैं उनकी भी बुद्धि खुलती जा रही है, और जो स्थापना की कार्य में हम जैसे बच्चे लगे हुए हैं, बाबा के सहयोगी हैं, उनकी भी बुद्धि खुलती जा रही है। तो जो 33 करोड़ आत्माएं जो स्थापना के लिए बनी हुई है, वहां तक शायद हमारे मनसा के वाइब्रेशंस, हमारी बुद्धि के वाइब्रेशंस पहुंचते जा रहे हैं, और फटाफट से जो जितनी आत्माओं को ज्ञान पहुंचना है, जितनी आत्माएं जैसे 33 करोड़ आत्माएं बाबा की बननी है देवता के अंत तक, वो फटाफट ज्ञान में आती चली जाएंगी जितनी जितनी हमारी बुद्धि खुलती जाएगी। तो जैसे बाबा ने ऊपर बोला ना, मीठे बच्चे तुमको तुम्हारा कर्तव्य, तो यहाँ बाबा बहुत कर्तव्य के बारे में बहुत बता रहा है, यानी हमें हमारी बुद्धि को खोलना ही हमारा कर्तव्य है जी। बाबा के ऊपर समर्पण की सहयोग की भावना है, रिटर्न है बाबा को, कि हम जितना जितना हमारी बुद्धि को खोलते जाएंगे तो हमारे से एसोसिएट बुद्धि जितनी होगी, जैसे हम तो जड़ में बैठे हैं और हमारे से बहुत जुड़े हुए हैं आत्माएं, आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, तो जुड़ी हुई आत्माओं की भी बुद्धि खुलती चली जाएगी जी। ओम शांति। ओम शांति। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कृष्णा दीदी आपने, जैसे ये हमें एक पॉइंट की तरह नोटिस कराता है जिसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो हमने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे जैसे बुद्धि हमारी खुलेगी, अगर हम मुंह से कुछ बोले या ना बोले, हमारी कॉन्शियसनेस दूसरों को डेफिनेटली टच करेगी, जैसे कॉन्शियसनेस आपस में जुड़ी हुई है ना। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा यह वानप्रस्त है, बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्ती हैं, बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सदगति दाता एक ही है, बाप ऐसा नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक है उनको रखा जाता है, रख सकता है, और औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बनाना है। जैसे बाबा ने यहाँ कहा है कि जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है,
जैसे यहाँ पे भी एक उदाहरण जो मेरा मनन चलता है कभी कभार कि मैं कंप्लीट समर्पण करूँ तो मैं शायद बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊंगी, ऐसा मेरे को कभी कभार लगता है कि काम छोड़ के ऐसा करूँ। तो जब जब जैसे मैं जब ये मैं मुरली पढ़ रही थी या जब जितना मनन कर रही थी, मुझे लगता है कि बाबा सबका नव देख के करते हैं, सब सम सब टाइमिंग सब सब बाबा हर हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज को बाबा सही से देख सकते हैं। तो अपने अंदर जो मेरे अंदर रहता है कि मेरा लाइफ का क्या मीनिंग है, मैं क्या कर रही हूँ, जो एक्चुअल पर्पस है वो नहीं कर रही हूँ, तो ये लाइन मुझे कहीं क्लियर कराती है। बाबा कहते हैं कि जो सर्विस के लायक है उनको रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि लायक नहीं, बट बाबा देखते हैं कि किस समय किसके साथ क्या जरूरी है, उस हिसाब से डायरेक्शन देते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करें, बट ये कहीं ना कहीं ऑल्सो क्लियर करती है कि ये जो जब होना है सही से बाबा के डायरेक्शन से डेफिनेटली होगा। अपने को गिल्ट में जाने का कोई नहीं है, बस पुरुषार्थ करते रहो। तो ये एक जिस मेरा थॉट था ऐड करना था यहाँ पे। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वह लोग भल वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापसी तो कोई भी जा नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, वही अच्छा मत देंगे। कोई कहते हैं बाबा हम घर बार ले यहां आकर बैठे, नहीं देखना होता है, नहीं देखना होता है यह सर्विस लायक है व नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियां सीखे। कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाते हैं। सेमिनार तो यहाँ है ना। बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं, कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको याद करें। जैसे बाबा ने यहाँ कहा है, बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं, कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले तो एक बात समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं, वह तुम्हारा तुम्हारा क्या लगता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कभी कभी कभार हम लौकिक में बात करते हैं आसपास लोगों से, तो मैंने ऐसा देखा है कि कोई मुझे अचानक से जब पूछता है कि जब वो हमारे दिनचर्या देखता है या थोड़ा सा देखते हैं कि अलग है, तो उनको क्यूरियोसिटी होती है, तो वो हमें पूछते हैं। तो जब मैंने काफी देखा है कि कोई एक यूथ मुझसे पूछता है, तो जैसे ही पूछता है कि ये भगवान क्या है या आप क्या करते हो, ये ब्रह्म कुमारी संस्था क्या है, तो कभी कभार मेरे को बहुत टेंशन, मतलब मैं क्या जवाब दूं, मेरे को ऐसा होता है कि क्या जवाब दूं, कि इस जवाब से मेरे मुख से ऐसा कुछ निकले कि ये सुन के उनके कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट हो। तो बहुत मेरा मनन चलता है कि बाबा मैं सही जवाब दे रही हूँ, गलत जवाब दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ। तो ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है, या अगर ऐसा हुआ है तो हम कैसे किस डिरेक्शन में देते हैं, क्या हम उसकी नस देख के बोलते हैं, या जस्ट जो हमने सीखा है ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में एक बार बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करें, तो सीखने को मिलेगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। कोई और बोल रहे हैं दीदी? नहीं, आप बोल रहे हो, और कोई किसी ने? हाँ दीदी, मुझे ऐसे समझ में आता है, जैसे कोई मेरे से पूछता है तो डिपेंड करता है कि पूछने वाला कौन है सामने से। लेकिन जनरली जैसे हमारी उम्र के होते हैं तो मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ, या मुझे यहीं से जैसे खुद भी समझ में आया, मैंने यही लाइन पकड़ी कि वो मेरा पिता है। एक्चुअल में दीदी क्या है कि आज फादर की डेफिनेशन भी ना बहुत ऐसे हो गई है कि माना बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है उस रिलेशन में।
माँ बाप का यही है कि बहुत पढ़ो 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 कुछ बन जाओ ऐसा वैसा, तो बच्चे भी जैसे ना त्रस्त रहते हैं मम्मी पापा से भी, खासकर फादर से, तो वो एक रिलेशन जो अनकंडीशनल लव एक फादर देता है कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे हो, कुछ भी हो जाए सबसे पहले मुझे आके बताओ, हर गलती में मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस तरह का जो रिलेशन है ना वो फादर का मैं बताती हूँ। और अगर वो मेरा पिता है, अगर इतना बड़ा व्यक्ति लौकिक में भी अगर कोई कहे कि बहुत बड़ा अधिकारी उसका फादर है, तो उसका एक नशा रहता है अलग, वो किसी को समझता नहीं है कुछ भी, वो किसी परिस्थिति से नहीं डरता, किसी व्यक्ति से नहीं डरता, उसे पता है कि उसके फादर का हाथ उसके सिर पे है, वो हर तरह से उसको सेव करेगा। तो ये जो रिलेशन मुझे समझ में आया तो मैं यही बता पाती हूँ कि वो फादर है जिसे दुनिया पुकारती थी। मन भक्ति मार्ग में भी उसके पैर भी छूने थे तो हमने हाथ धो के छूने थे, बेशक हम नहाए फिर से हाथ धो लो तब पैर छू भगवान के। तो इतना बड़ा भगवान, इतनी बड़ी अथॉरिटी, वो तुम्हारा बाप है, तो सोचो तुम्हें किस गुमान में किस नशे में रहना चाहिए। और मैं उनको एक बात और बोलती हूँ कि ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया आपने मान लिया, या कहीं भी सेंटर पर जाओगे कोर्स कर लिया मान लिया, मानना बिल्कुल नहीं है, हर पल अनुभव करना है। और उसको बोलो अगर कि तुम मेरे बाप हो तो मुझे ये बताया गया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे ये अनुभव कराओ। तो मैंने ऐसे ही किया, तो माना ऐसे मैं बताती हूँ ना। ओम शांति। ओम शांति देवो बहन, एक क्लास हुई थी इस बारे पे जी कि हमको ज्ञान कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो सचिन भाई की क्लास भी थी और औरों की भी थी, कि जब हम कोई हमसे पूछता है ना, तो चूंकि हमें नहीं पता उसका मन क्या चाह रहा है, उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता वो क्या चाहता है। जैसे बाबा ने बोला नब्ज देख कर बात करो, तो उसकी नब्ज कहाँ है, कहाँ उसकी वीकनेस है, हमें नहीं पता। तो जैसे किसी को भी ज्ञान देने से पहले एक बार अगर हम शिव बाबा को ही याद कर लें और उनको ही बोले कि बाबा हमें नहीं पता, आप जो इसको चाहिए वो मुझ निमित्त के द्वारा आप बुलवाते, मतलब बाबा को समर्पित कर दे स्वयं को भी और आगे वाली आत्मा को भी, तो जब जब जो चीज हम बोलेंगे वो बिल्कुल उसके लिए एक्यूरेट होगी, क्योंकि बाबा को तो पता है उसको क्या चाहिए, उसकी वीकनेस क्या है, वो क्या ढूंढ रहा है, तो शायद ऐसे से वो बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाता है, ऐसा अनुभव भी है। पर चूंकि हम भूल जाते हैं तो कर नहीं पाते, लेकिन ऐसा करना चाहिए मतलब। जी जी, थैंक यू कृष्णा दीदी। हाँ सोनम बहन, आप बोलना, कुछ बोलना चाह रहे हो? ओम शांति दीदी। हाँ देखिए, कृष्णा दीदी ने बहुत अच्छा बोला, इसमें ही ऐड करेंगे कि कोरोना के काल में ना हम लोगों ने यही सेवा शुरू करी थी, तो जो भक्ति वाली आत्माएं थी तो उनको भक्ति के ही मतलब पैटर्न में ही समझाया कि आप जो है जिसको भी मानते हैं तो उससे पहले संबंध बनाओ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी एक है ना लाइन की तम है वो माता च पिता तमेव, ऐसा करके स्लोगन है, तो उसको पहले उन्हीं की लैंग्वेज में समझाया कि आप अपने ही ईश्वर को अपना पिता मानते हो, दोस्त मानते हो, सखा मानते हो, तो बोलते हैं हाँ मानते हैं, तो उन्हीं को ही फिर बोला कि आप जिसको भी मानते हो, माता को मानते हो या शिव जी को मानते हो, पहले उनसे संबंध बनाओ अपना। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली उनको ये फीलिंग आने लगी कि हाँ जो हम बोलते हैं तो हमें मानना भी चाहिए, फिर फर्दर हम लोगों ने उनको 20 या 25 दिन बाद उनको फिर बाबा का परिचय दिया। तो जब वो फीलिंग में आने लगी कि जिनको हम बोल रहे हैं एक्चुअली में ये है, तब वो उसको फॉलो अप करने लग गए और अभी वो लोग सब बाबा के बच्चे बन गए हैं अच्छे। ओम शांति। वेरी नाइस। और उनको कुछ मतलब माता जी की फोटो वगैरह भी दिखाई कि देखो इनकी अष्ट शक्तियां हैं, तो आपको इनसे है ना शक्तियां भी धारण करनी है, शक्तियां लेनी है आपको, तो इस पैटर्न से उनको समझाया था। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ये मदन जी, हाँ आप बताओ। देखो बहन, मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों ने समझा है, सबसे पहले एक रिलेशन बनाना है हमें स्वयं को उसी समय बाबा के साथ, जैसे ज्ञान कुछ समझाना है तो ज्ञान सागर के साथ वो रिलेशन बना के, तब जाके जब हम बोलते हैं तो बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो फीलिंग्स भी हम सामने वाला को दे सकते हैं, क्योंकि फीलिंग्स देना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो वो कैरी करके ले जाएगा घर तक, तो इससे शायद हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी जी।
और कोई ऐड करेगा? मल्लिका बहन दीदी, आप कुछ ऐड करोगे? आपका कोई एक्सपीरियंस? संगीता दीदी, आप कुछ ऐड करोगे? ओम शांति दीदी, मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि वहाँ पे ना लोग पूछते थे, मतलब मेडिटेशन सिखाया जाता है और अपने बारे में पता होता है कि हम क्या हैं, और मेडिटेशन सेंटर है और ये एड्रेस है, आप वहाँ चलो, फिर इवनिंग में हम मिलेंगे, वहाँ पे टीचर लोग रहेंगे, तो पहले आप वहाँ पे चलो, पहले वहाँ चलो, शाम में हम आपसे मिलेंगे, और ये एड्रेस है और वहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो एक बार जब वो जाते हैं ना, तो अंदर घुसते ही उनको पता चलता है, फिर दीदी लोग उनको फिर कैच करती हैं, फिर दीदी लोग कुछ बताते हैं, फिर इवनिंग में हम मिलते हैं। तो और तो अभी बहुत सारा सी सीखा, पर अभी तक तो हम ऐसे ही करते थे, अब मैं कुछ इसमें चेंज करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। श्वेता दीदी, आप कुछ बताओगे? ओम शांति। ओम शांति। मैं तो मेरा भी एक्चुअली जैसे बाबा मुक्ति में कहते हैं ना कि तुम्हें पहले बाप का परिचय देना है जी, तो पहले तो मतलब ऐसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता था कि क्या बोलें, पर जैसे मुझे लगता है कि जितनी हमारी धारणा स्ट्रांग होती है तो आई थिंक फिर वो डेफिनेटली ऐसे कि हम लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारी दिनचर्या देख के, या हमारी मतलब कोई हमसे जॉब करते हैं वहां जाते हैं तो सब कहते हैं थोड़ा सा अलग आएंगे लोग, खाना पीने का सब कुछ अलग लगता है। तो फिर जब बाबा मुरलियों में कहता था ना कि पहले बाप का परिचय दो, तो मेरा ये खुद का भी कुछ महीनों पहले का ही एक्सपीरियंस है। तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया कि मतलब जैसे परमात्मा और देवी देवता को, या मतलब भगवान जो होगा वो एक होगा ना, चाहे मतलब क्योंकि मल्टी कल्चर में काम करते हैं, वहाँ पे कोई क्रिश्चियन भी होता है, कोई मुस्लिम भी होता है, तो मतलब मुझे हमेशा से ऐसी भावना रहती है कि बाबा की मैं ना सारे धर्म के लोगों को आपका ज्ञान दूँ, और मतलब ऐसे मेरी ज्यादातर भावना रहती है कि मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड भी है तो उनको भी मैं बाबा का परिचय दूँ, सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म के जो है उनको ही नहीं, मतलब बाकियों को भी दूँ। तो मैं ऐसे कई बार बुक्स भी लेके आती हूँ माउंट आबू से उर्दू वगैरह में, तो ऐसे करके मैंने उनको दिया है कि मतलब परमात्मा के प्रति सिर्फ देना ज्ञान, मतलब कि जैसे कि पाप मतलब कि भगवान तो वो होगा ना कि जिसको सारे धर्म माने, ऐसे करके मैंने देखा। तो एक दो बारी कई लोगों ने इंटरेस्ट से सुना भी, या बाबा ने कई बार बोला ना कि सृष्टि चक्र समझाओ, तो वो भी मैंने देखा कि मेरे वर्क प्लेस में जो मेरे कलीग्स हैं उनको मैंने कई बार ऐसे जैसे कि सीजन्स होते हैं, फोर सीजन्स होते हैं, वेदर आता है, ऐसे करके कई बार समझाया है, तो देखा कि उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। तो एक मेरा कलीग था उसको इतना इंटरेस्ट आया, कहता है ऐसे ये बताया 9 लाख की संख्या में कैसे आना पड़ेगा, वहां तो बड़ी भीड़ लगी होगी। तो मुझे लगा कि हाँ बाबा जैसे जो युक्ति बताता है हम वैसे ट्राई करते हैं, क्योंकि देखो मैं हम खुद नहीं करते, जो बाबा मतलब ऐसे मैंने एक दो बार ट्राई किया कि जैसा बाबा ने बताया मुरली में वैसा उसको भी आज करके देखते हैं। तो मेरे साथ ऐसे 2-3 बार एक्सपीरियंस हुआ कि बाबा ने जैसा डायरेक्शन दिया उसको वैसा फॉलो करने की कोशिश किया किसी दिन, तो वो ऐसा लगता है कि एक तो आत्मा को तीर टच होता है, बेशक वो ज्ञान में भी चला नहीं, पर इतना बाबा कहते ना कि तुमने बीज डाल दिया है, तो वो बाबा का एटलीस्ट शिव बाबा का थोड़ा सा बीज डाल देते हैं। तो वो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे करके बीज डाला तो हो गया। और अभी कल परसों का एक्सपीरियंस है कि जैसे अभी नर्सेस डे चल रहा है, हमारा वीक चल रहा था, तो हमें हेल्थ टॉक देना था मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो मुझे ऐसा बार बार जैसे मैं घर में प्रैक्टिस कर रही थी, तो जैसे हमें आत्मा आत्मा बोलने का बहुत शौक होता है, या जैसे हम घर में किसी को हम ज्ञान भी देते हैं, तो मुझे था कि बाबा वहां पे कहीं आत्मा ना निकल जाए और हंसी हो जाएगी मतलब ऐसे करके। तो और ये भी था कि बाबा इतनी सारी आत्माएं हैं, सब परेशान सी हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो इनको कुछ आपका ज्ञान भी मिलना चाहिए, या कोई एक सेवा भी बाबा करवा देना, ऐसा भी एक भावना होती है। तो ऐसे बताया मानसिक रोगों के बारे में थोड़ा सा बताया, तो आई थिंक फिर एक बाद में एक आत्मा एक पेशेंट रिलेटिव आया कि मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अब था कि ऐसे तो हम एकदम से संस्था के बारे में नहीं बता सकते या ज्ञान के बारे में, फिर वो मैंने कहा थोड़ी देर में आप मुझसे बात करेगा, हम अभी थोड़ा बिजी हैं फिर बताएंगे। तो मतलब ऐसा हुआ कि उसको फिर हमने थोड़ा सा ब्रह्म कुमारी इसके बारे में बताया कि आपने मेडिटेशन के बारे में बताया कि वो थोड़ा बहुत परेशान सा था कि उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं ये वो, तो ऐसे करके फिर उसकी सेवा हुई कि उसको थोड़ा सा बताया कि आप मेडिटेशन सीखो आपको हेल्प मिलेगी, या मतलब ऐसे करके देन आई इंट्रोड्यूस हिम अबाउट द ब्रह्म कुमारी। तो मतलब ऐसा करके कि हाँ ये थोड़ी सी कुछ किसी को थोड़ा सा बीज डाल दिया, तो मतलब ऐसे होके किया है हमने आज तक। जी जी, थैंक यू शिल्पा, थैंक यू शिल्पा दीदी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो अगर हम सबका एक्सपीरियंस सबका देखें, तो पहले तो सब
अपने आप को थोड़ा सा मतलब वी शुड ऑल्सो मतलब हम अपने आप को भी अप्रिशिएट करें, थैंक यू बोले, और बाबा का भी, तो सब हम बाबा का ज्ञान कितना स्प्रेड कितना सब में स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी अपनी विधि से, जैसे फीलिंग के थ्रू बाबा को आह्वान करके उसके थ्रू, या डिफरेंट जब भी कोई मौका मिलता है उसके थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम सबका एक्सपीरियंस सुन सकते हैं। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग, शायद ऐसा एक दूसरे को सुन के हम भी और इंस्पायर हो और आगे ये भी करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, ओम शांति। अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए, तुम तो बाप को जानते नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, बाबा हमको लायक बनाकर कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएगा, बाकी और तो सब जंगल का रास्ता बताते हैं। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वह कोई झूठ थोड़ी है। बाबा कहना माना तुम जीवन मुक्त हो गए, बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं, तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना, कहते हैं गाइड गॉड फादर सब मैसेंजर को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर को भेज देते हैं धर्म स्थापित करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं ऊपर से भेज देते हैं ना, बोलते एक है फिर मानते नहीं। बाप धर्म स्थापन अर्थात भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ी। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते, वह एक आएंगे फिर दूसरे आएंगे फिर तीसरे आएंगे। यहां तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने, यह स्कूल है, घर में रहते एक घड़ी आधी की पूर्ण आधा एक सेकंड में तुमको सिर्फ बुलाते हैं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से भी कहते हैं परम पिता, वह तो सबका बाप क्रिएटर है, फिर भी बाप ना समझे तो क्या कहेंगे। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे, भारत को दिया हुआ है ना, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है, यह सत्य नारायण की कथा भी है। अमर कथा भी है। यह सत्य नारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तजीरी की अर्थात तीसरे नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत में से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं, सर्कमस्टेंस देख कहा जाता है तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो, जहां जहां जरूरत पड़ेगी
प्रदर्शनी में तो बहुत ही जरूरत पड़ेगी, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है, यह है पढ़ाई। भगवान वाचा भगवान कहा जाता है निराकार को, तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं, तो तुम फादर कहते हो और गाते भी हो पतित पावन बाप, तो जरूर यहां आकर पावन बनोगे। तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से, मैं 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं हम भी उनसे लेते हैं, फॉलो करो। मम्मा बाबा जैसे सर्विस भी करते हैं, मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनेंगे, पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना, समझते हैं ना। ओम शांति। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मम्मा बाबा नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, हम फिर उनसे कम क्यों सुने, तो कम क्यों सुनने का मतलब? जी, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें भी इक्वली मतलब वैसा ही करना चाहिए, एग्जैक्टली जैसे मतलब उनको कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोई और अगर कुछ ऐड करना चाहता है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मम्मा बाबा जैसा। पर आता कि मम्मा बाबा नर्स फॉलो करने की ही बात आई है, किशोर बाबा से वर्षा लेते हैं हम भी उनसे ले फॉलो करो जी, फिर आया कि मम्मा बाबा जैसे सर्विस भी करो, फिर आया मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। अगर फॉलो कर रहे तो हम भी नर से नारायण बनाने की कथा सुनाएंगे मतलब, लेकिन हाँ फिर कहेगा हम फिर कम क्यों सुने। जैसे ऐसा लगता है, आप बोले दीदी, आप नहीं नहीं आप बोलो। नहीं दीदी, हमको ऐसा लग रहा है कि पहले सुनेंगे फिर तो सुनाएंगे ना, जैसे बच्चे मुरली भी मिस कर देते हैं लेकिन मम्मा बाबा तो नहीं मिस करते, वो जो बाबा सुनाता है शिव बाबा उसको पूरी तरह सुनते हैं फिर सुनाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के थ्रू तो मुरली चलती ही थी, तो मम्मा कितना अच्छा इंटरप्रिटेशन उसका करती थी, जो अभी महावाक्य आ रहे मम्मा के, तो मम्मा की वाणियों के नाम से भी बहुत अच्छा लिटरेचर है। अभी तो बहुत सारी टेक्निक्स हो गई हैं कि हम ज्ञान को सरल करके सुन सकते हैं, तब इतना समझ नहीं थी तो मम्मा बहुत सरल करके ज्ञान को सुनाती थी, तो हम कम सुनेंगे तो फिर हम पूरा उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे ना, धारणा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मुझे ऐसे समझ में आ रहा था। ओम शांति। मुझे लगता है कि जो बाबा यहाँ सुनने के लिए कह रहे हैं, सुनना माना जानना, हम स्वयं अच्छा से समझ पाएंगे उस ज्ञान को तभी दूसरे को दे पाएंगे, तो इसी के लिए शायद बाबा कह रहे हैं। यहाँ अगर अपन सूक्ष्म में जैसे सोचे तो बाबा ये कह रहे हैं कि भाई तुमको निमित्त भले कोई भी मुरली सुना रहा है या कोई भी किसी को भी आप निमित्त को देख रहे हो, तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट शिव बाबा से जैसे बातें करते थे, शिव बाबा को फॉलो किया, तो जैसे उन्होंने 100% किया, तो हमें भी मतलब जैसे मुरली भी सुन रहे हैं तो अपन को ये नहीं समझना चाहिए कि मुरली जैसे निमित्त सुना रहे हैं क्या, तो हम हमेशा स्मृति में रहें कि हम ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की मुरली शिव बाबा ही हमको सुना रहे हैं, मुख भले ब्रह्मा का है, तो ये एक
प्रैक्टिस जैसे हो जाए अगर हमारे में, तो मतलब जो वाणी का जो प्रभाव है, ये शब्दों की जो पीछे का जो वाइब्रेशंस है, सीधी बाबा से अगर आएगी तो शायद हमारे बुद्धि में बहुत जल्दी बैठती ही चली जाएगी। तो कहते हैं ना 100% हम शिव बाबा को जान पाएंगे, इस मुरली के एक एक शब्द को जान पाएंगे, वाइब्रेशंस को पहचान, क्योंकि मुरली के एक एक शब्द में वाइब्रेशंस है जी। तो शायद बाबा ये कहना चाहते हैं 100% बाबा। दीदी आपको क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हाँ, यहाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है कि डिग्री की बात है, या कितने कितना हम उसको अंदर धारण करके कितना सुन रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे, पहले तो सूर्यवंश में जाना पड़ेगा ना, समझते हो ना। बगैर समझे स्कूल में कोई बैठ ना सके, बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इनमें तो बाबा का ही प्रवेशता है, नहीं तो परम प्रजापिता कहाँ से आया। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ, किसकी, ब्राह्मणों की। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ, किसकी, ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करते हो ना, मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाए। कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखाता हूं, पढ़ाई से राजाई मिलती है, तुम राजाओं के राजा बनोगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यही है, बाबा ने यहाँ कहा है तुम राजाओं के राजाएं बनेंगे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यही है। तुम आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने, एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अभी तो अनेकों धर्म है, उनके गुरु है, वह सब खल्लास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है। साधु लोगों की भी सभी सदगति करने आया हूं, आगे चल वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे, कल्प 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 पहले माफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, या फिर है प्रजापिता। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं। इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण, तो तुम पर कलश रखता हूं। ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है, कलश। तुम सब ब्राह्मण हो तो तुम पर कलश रखता हूँ, कलाश रखता हूँ। कलश इज लाइक जिम्मेवारी, सर पे कलश मतलब ब्राह्मणों हो तुम पर कलश रखता हूँ, मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब टू कैरी फॉरवर्ड था ना, कैरी फॉरवर्ड, जैसे वो टॉर्च देते ना, टॉर्च ऑफ लाइट जो रनर होते हैं रील में, वो देते हैं, फिर आगे वाला फिर आगे बढ़ता है जी। ऐसे हम ज्ञान का कलश। हाँ जी, थैंक यू। तुमने इतने जन्म लिए हैं, ये इस समय है ही रौरव नर्क, बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नर्क कहा जाता है। गरुड़
पुराण में तो बहुत बातें लिख लिख दी है, अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, यह भी तो पढ़ा हुआ है ना। तो अब भोलेनाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं, गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचे से ऊंचा साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए हैं। कैसा वंडरफुल खेल है, स्वर्ग में कितने मालामाल थे, अभी भी राजाओं को बहुत बड़े बड़े महल है, जयपुर में भी है, अभी भी ऐसे ऐसे महल है, तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते हैं, राजाओं के महल बनाने का भावक ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में। बाबा यहाँ कौन से अजमेर में कौन से महल किस चीज को रेफर कर रहे हैं, कोई बोल सकता है अजमेर में कुछ? दीदी जैनियों का है स्वर्ग का मॉडल, जैनियों ने बनाया है, लेकिन उसमें जैसे बहुत सुंदर, पता नहीं कैसे बाबा जैसे उन्होंने टच कराया होगा, बहुत सुंदर जैसे पुष्पक विमान बाबा बताता है, वो सब कुछ है वहां पे, और उसको ऊपर से देखते हैं, नीचे एक बड़ा सा हॉल है और गैलरी से चारों तरफ से ऊपर चढ़ के उसको देखा जाता है, तो सारा गोल्ड का बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ। ओम शांति, थैंक यू दीदी। हम देख सकते हैं गूगल में सभी एक बार मुरली के बाद, कभी जब मनन करेंगे तो देख सकते हैं बाबा यहाँ कैसे बोल रहे हैं, तो हमें पता चलेगा आर्किटेक्चर के बारे में। एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है, देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट समझा देते हैं, जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्ति को भूल साक्षात्कार हो, भक्ति भक्तों को भले साक्षात्कार होता है, परंतु वह कोई बैकुंड के मालिक थोड़ी बनेंगे, तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो। अभी तो है नरक, अभी तो है ही नरक, एक दो को काटते लड़ते रहते हैं, बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते हैं, सतयुग में लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो, ये बाबा हमेशा हर मुरली में बोलते हैं। अब के लिए जो हमें बहुत मतलब सुनते सुनते शायद ये आदत हो जाती है, बट ये इस बात को अगर हम इसके डीप में जाएं तो हमें अगर विजुअलाइज करें तो कैसा हमारा लाइफ होगा इस 21 जन्म के लिए, उससे भी हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं अगर हम उसको थोड़ा विजुअलाइज करें तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को ना जाने तो बाकी बाबा कहने की फायदा क्या है। तो जैसे बाबा यहाँ कहते हैं कि पहली बात है, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को ना जाने तो बाकी बाबा कहने का क्या फायदा ही क्या। इतने दान पुण्य करते हो तो करते करते तो भारत का यह हाल हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा जैसे भी हम पुरुषार्थ करते हैं, बीच बीच में अगर हम अपने आप को याद दिलाए बाबा के बारे में पढ़े, या मतलब ब्रह्मा बाबा के बारे में पढ़े, या पूरी जर्नी के बारे में पढ़े, कैसे ये ब्रह्म कुमारी की स्थापना से अभी बीच बीच में अगर हम ये पढ़ते रहे, अपने आप को रिमाइंड करते रहे, तो ये हेल्प करता है। जैसे मेरे को बीच बीच में संकल्प चलता है कि एकदम फॉलो फादर करना है, एकदम कहाँ से शुरू हुआ क्या हुआ, तो मैंने देखा है कि वो पुरुषार्थ में थोड़ा सा हेल्प करता है। सबकी अपनी वे है टू मोटिवेट, बट ये काफी हेल्पफुल है जो बाबा ने यहाँ पे कहा है। परंतु यह समझता कोई नहीं, कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और कैसे मिलेगा। भक्ति तो सब करते हैं, परंतु सबको राजाई थोड़ी मिलेगी,
कितने गुंजाइश है, कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो यह शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। तुम कोई को भी कह सकते हो यह शास्त्र आदि सभी भूलो, जीते जी मरो। ब्रह्मा तत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता है, वर्षा तो बाप से ही मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं क्योंकि कोई नई बात तो नहीं। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो उतना मति से गति होगी। इनको कयामत का समय कहां जाता है। अंत मति से गति हो जाए, सॉरी। थैंक यू दीदी। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होना है। अब पूर्ण आत्मा बनना है योग बल से। भंभोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे। शरीर थोड़े ही साथ ले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु यहाँ यह है कैसा, यह हो कैसे सकता है, जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी होती नहीं। अनादि चक्र कैसे फिरता है, सो अब बाप बैठे राज समझाते हैं। यह सब बात समझानी पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़े फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। यह तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इसको चिड़िया खा जाती है और धर्म को चिड़िया नहीं खाती। तुम बच्चे को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए, यह कब्रिस्तान है। तुम बच्चे को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखनी चाहिए, यह कब्रिस्तान है। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ मेरे को ये पूछना, यहाँ पर चिड़िया का वर्णन बाबा क्या कर रहे हैं, मतलब चिड़िया किसे कहा जा रहा है, इसके पर ये तरह चिड़िया कुछ तो कहते हैं। जी दीदी, कोई शेयर करना चाहेगा? ये मेरे को भी चल रहा था मन कि तुम ऊंचे, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इसको चिड़िया खा जाती है और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती। ओम शांति दीदी। मुझे लगता है बाबा कहना चाहते हैं कि जब ये ज्ञान हमको मिलता है उसके बाद तो सतयुग की स्थापना हो जाती है, तो ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। और सब धर्म संस्थापक जो उतरते हैं तो वो उतरते हैं और अपना ज्ञान देते रहते हैं, तो वो चलता रहता है। पर हमारा ज्ञान तो फिर जब सतयुग हो जाएगा, फिर अंत में संगम में बाबा आएगा, फिर बाबा जब बताएगा तब फिर हमको पता होता है। और ऐसे तो बीच में एकदम लुप्त हो जाता है, क्योंकि अभी तो तुरंत ज्ञान सुनेंगे और उसके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा, सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा, हम सतयुग में चले जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जय श्री। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है चिड़िया खा जाती है, माना वो प्लांट इतना छोटा होता है, अभी तो कलम लगाई, जैसे मैंने किसी को अभी ज्ञान दिया फ्रेश, और अभी मैं कहूँ कि आइएगा सेंटर पे और समझिएगा, तो कभी कभी क्या होता है उसके जो नया आत्मा है उसके मन में दुविधा होती है, क्योंकि माया तो उसके अगेंस्ट में और बहुत कुछ अच्छा उसके सामने रख देती है। भूल जा रहे टाइम क्या गंवाने का, मतलब मेरे साथ ऐसे हो गया है 2-3 बारी कि मैंने किसी को ज्ञान दिया और वो इधर उधर के बातों में या इधर उधर ही लग जाते हैं, तो समझ में आता है चिड़िया खाना, माना वो छोटे ही स्टेज में होता है ज्ञान और वो व्यक्ति या आत्मा जल्दी नहीं आती है, उसको नीचे जल्दी नहीं बैठता है, तो शायद ऐसा मुझे यहाँ पर वही फीलिंग आ रही है। और किसी को कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं। शांति। शांति। दीदी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम भारत को ही सोने की चिड़िया कहते हैं कि होता है, और वो अपना ही हमें खा जाते हैं, जैसे कि मतलब अपने ही, जैसे
देवी देवता धर्म में देवी देवता तो हमारा नहीं रहता, गुण खत्म हो जाते हैं, तो हमने अपने ही धर्म को अपने आप ही जैसे खत्म कर दिया, क्योंकि इतने सारे देवी देवता हमने बटते गए, फिर देवी देवता जो भी थे उनके आगे वंशज बनते गए, जैसे फैमिली ट्री बढ़ता गया सनातन धर्म का, तो आई थिंक वैसे वो अपने आप उसको डिवाइड करते 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 वो खत्म कर दिया, खुद ही उसको खत्म कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे हमने अपने ही धर्म को खुद ही खत्म कर देते हैं ना, कितने शास्त्र बना दिए और कितना सारा खंडन कर, मतलब खंडन कहना, डिविजन्स हैं बहुत सारे, तो और कोई कुछ जी क्या इस पर हम बाद में सोच सकते हैं? दीदी मुझे थोड़ा ऐसे समझ में आना था, जैसे खेत में कोई चीज, जैसे खेत होता ना दीदी, जैसे फसल होती है उसको चिड़िया बहुत डैमेज करती है, मतलब उसको खा जाती है, जड़ों को खा जाती है, बीज को अंकुरित होने से पहले ही चिड़ियाएं आती हैं, और मतलब बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है उसको, वरना उसको फसल को बहुत नुकसान हो जाता है। तो अभी जैसे और धर्म वाले हैं ना दीदी, तो उन सबको पता है कि ये धर्म इसने स्थापन किया, तो जैसे उस धर्म का जो हेड है उसकी स्मृति अंत तक भी है, जैसे मोहम्मदन लोग होते हैं, अब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया जाए तो वो कितना बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, मतलब उसका गला काटने का फरमान दे देंगे। ऐसे ही क्राइस्ट के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि हाँ क्रिश्चियन धर्म उन्होंने स्थापन किया, जैसे मालिक अभी तक है, मालिक का जो इफेक्ट है खेत की रखवाली, जो धर्म की स्थापना जो हुई है उसके हेड का अभी भी वो है, इफेक्ट है, लेकिन हमारा जो धर्म स्थापन हुआ वो इतना गुप्त होता है, और वो गुप्त होके वो जो हेड है वो चला जाता है और बिल्कुल ही गुप्त हो जाता है, और हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। तो जब तक हम स्टेट में रहते हैं अपनी पूरे फुल लेवल पे रहते हैं 16 कला, तो त्रेता तक तो मेंटेन रहती है चीजें, लेकिन जैसे और डाउन आते हैं तो चूंकि हमें पता ही नहीं हमने धर्म किसने स्थापन किया हमारा धर्म, तो हम बहुत डिवाइड हो जाते हैं, और उसकी रक्षा करने वाला कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि धर्म किसने स्थापन किया। तो जैसे उसको चिड़ियाएं खा जाती हैं आके, कोई दूसरे धर्म वाले या हमारे ही अंदर जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जैसे इस देवी देवता धर्म वाले ही उसको डैमेज करने लग जाते हैं, क्योंकि जो स्थापक है उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा, उसका प्रभाव, उसकी रखवाली जैसे होती है वो नहीं होती है। तो मुझे थोड़ा ऐसे समझ में आ रहा था। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ ओम शांति देवोगन, कल की मुरली से जैसे मुझे याद आ रहा है कि कल की मुरली में था ना कि मैं तुमको ज्ञान का गर्भ धारण कराता हूँ जी, तो जैसे बाबा अभी ज्ञान का गर्भ हमको धारण करा रहे हैं, और फिर जब सतयुग में जाकर वो डिलीवर्ड हो जाएगा ज्ञान एज इट इज, तो अब किसने दिया, किसने गर्भ का धारण कराया, कौन क्या रहा उसको, जैसे माता भूल जाती है ना, लेबर पेन्स को ही भूल जाती है जब बच्चे की शक्ल देखती है, तो उसको यही पता नहीं रहता कि कितनी मुश्किल से बेबी का जन्म हुआ है, भूल जाती है। ऐसे ही हम लोग जब हमको उस ज्ञान में जब इतने मगन और इतने मस्त हो जाते हैं हम लोग, तो कि हमको ज्ञान के बारे में बिल्कुल ही भुलावा हो जाता है, भूल जाते हैं हम लोग, उसको एंजॉय करने में लग जाते हैं। ओम शांति। देवोबन, मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, इससे भारत सोने की चिड़िया बने। सोने की चिड़िया तभी बने हैं जब आत्मा फुल पावर्स में थे, सारे गुण थे, सोना जैसे था। धीरे धीरे जैसे हमारा पावर्स गिरते गए तो वो जो सोने का चिड़िया वो उड़ गया, माइग्रेट कर गया वहां से, और जहाँ खाली स्थान हुआ वहां पे माया रूपी चिड़िया आ गई, और आके वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको खा गए, और खा के हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू शिल्पा दीदी ये क्वेश्चन रेज करने के लिए, सबने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, क्लियर भी हुआ काफी मेरे को भी, शायद आपको भी। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना है, यह कब्रिस्तान है, पुरानी दुनिया से क्या लागत है अथवा लगाव रखनी है। अमेरिका में जो सेंसेबल है वह समझते हैं कोई प्रेरित है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है,
सबके दिल तो सबके दिल तो खाते ही रहते हैं। ड्रामा भी भावी ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, इनको तो कोई आसक्ति नहीं, निराकार है। यह सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की ही है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राजाई करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। तुम बच्चों को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट अर्थात महादानी हो, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रत्न भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर, इसका मतलब क्या होता है? करनी घोर को तो को देते हो ना, देते है ना। शिव बाबा को तुम क्या देते हो, इसका इसका मतलब कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? हिंदी वर्ड। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को तुम क्या देते हो। शिव बाबा को हम लोग क्या देते हैं? पांच विकार देते हैं, अपने अवगुण देते हैं। तो उसी तरह करनी घोर जो शमशान भूमि में रहते हैं, जो डेड बॉडी होता है, तो उसका जितना भी सामान होता है तो सब पुरानी स्मृति छोड़ने के लिए उसको सब दे देते हैं, दान कर देते हैं। तो और हम क्या करते हैं? बाबा को पांच विकारों का दान करते हैं और बाबा उसके बदले में हमको स्वर्ग की वादशाही देते हैं। तो बाबा अपना इतने बाबा निरहंकारी हैं कि अपने को बता रहे हैं कि तुम करनी घोर को देते हो ना, तो उसी तरह तुम भी हमको पांच विकार देते हो। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ईश्वरीय समर्पण ईश्वरीय भूख है क्या? वह कृष्ण अर्पण करते हैं। दोनों को भिखारी बना दिया है, वह तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सखिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और कुटमान। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम तो रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा का प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा। एक मिनट हम बाबा को याद करके आगे खाना के लिए सार पढ़ेंगे। ओम शांति। सार पढ़ने से पहले सबको बहुत बहुत शुक्रिया ये मुरली को इतना अपने सबका थॉट शेयर करने के लिए। और दूसरी बात, थोड़ा सा मैं अपना रीडिंग हिंदी रीडिंग इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबके सहयोग से वाइब्रेशन से और बेटर होगा। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। आगे बढ़ते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पुरानी दुनिया कि किसी भी चीज में लगात अथवा लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया भी बात का शौक नहीं रखना है, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाला है। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाला है। अगला पॉइंट है, अब नाटक पूरा होता है।
हिसाब किताब चुपतू कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पूर्ण आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। अब नाटक पूरा हुआ, हिसाब किताब चुपतू कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पूर्ण आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। बाबा का वरदान है, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि की शक्ति मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। वाह बाबा वाह, और वाह मेरे भाग्य वाह, सदा यही खुशी के गीत गाते रहे। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसा और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी के खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं। जो खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोरी नहीं होती है। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। बाबा का स्लोगन है, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होगे। स्लोगन है, मन और बुद्धि की को अनुभव की सीट पर सेट कर दोगे तो कभी अपसेट नहीं होगी। ओम शांति। अभी हम अनुभव सुनेंगे। मनीष भैया ओम शांति। दादा चंद्रहास जी के अनुभव आगे सुनेंगे। प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता। यह तो सभी बाप दादा के रूहानी बच्चे चाहते हैं कि हम ऐसे प्राणेश्वर बाप दादा को प्रत्यक्ष करें, तभी तो विश्व में यह आवाज गूंजेगी, अहो प्रभु तेरी लीला। लेकिन वह तब होगा जब हम बच्चे दर्पण के समान साफ स्वच्छ और बाप समान बनेंगे, तभी हम अपने बाप दादा का विश्व को साक्षात्कार करा सकेंगे। जैसे हमारे बाबा विश्व के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहलाते हैं, वैसे ही हम उनके बच्चे भी ग्रैंडफादर तो हैं ना। सारे विश्व की आंखें हम बच्चों द्वारा ही तो उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का साक्षात्कार कर सकेंगी। अगर हमको अपने मन वचन कर्म से बाप का साक्षात्कार कराना है तो हमको भी प्यारे बाबा के एक एक कदम पर कदम रख उनको फॉलो कर उनके समान ज्ञान स्वरूप शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप त्याग तपस्या स्वरूप बनकर आगे आने वाली अनेका अनेक आत्माओं के आगे उदाहरण स्वरूप बनना होगा। तो आइए देखें प्राणेश्वर बाबा के पुरुषार्थ के कौन से पद चिन्ह हैं जिनको फॉलो कर हमको भी बाप समान कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के पद चिन्ह, पहला है निश्चय बुद्धि। प्यारे बाबा की निश्चय बुद्धि का तो आपने आरंभ से अनुभव किया होगा। आरंभ में जैसे ही पिताश्री को शिव बाबा ने
विश्व के विनाश का साक्षात्कार कराया और उन्होंने नई दैवी दुनिया स्वर्ग के अनेक दृश्य देखे तो बाबा को निश्चय हो गया कि बस अब तो निकट भविष्य में ऐसे विकारी दुनिया का विनाश होने वाला है और परमात्मा को मेरे द्वारा नई स्वर्ग की दुनिया की स्थापना करानी है। इसी निश्चय और नशे में एक धक से लाखों का बिजनेस भागीदार को सुपुर्द कर दिया और वैराग्य में अपने परिवार को तार भेजी कि अलफ को अल्लाह मिला बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ को हुआ रेल में राही, छोड़ झूठी बादशाही जाकर बैठे निजधाम में। ऐसे अचानक सारे संसार के सुख साधनों को त्याग अपने शहर आकर अन्य आत्माओं को जगाने के कार्य में जुट गए और फिर इतना दृढ़ निश्चय जो सारी सिंधी समाज इनके विरुद्ध हो गई, इतने आंदोलन हुए तो भी चट्टान की तरह अडोल रहे। एक बार कलेक्टर ने बाबा को निमंत्रण दे बुलाया और कहा कि इन माताओं को कहो कि अपने पति को खुश करें, तो बाबा ने साफ कहा कि कलेक्टर साहब मैं तो इनको गीता का ज्ञान सुनाता हूं, उसमें लिखा है काम महाशत्रु है, इसका पालन करना या ना करना तो इन्हों की इच्छा पर है, इसके लिए मैं किसी को कैसे मजबूर कर सकता हूं। प्यारे बाबा को इतना निश्चय में अडोल देख हम बच्चों में भी सारे आंदोलनों का सामना करने की हिम्मत आ गई। ऐसी और भी कई परीक्षाएं प्यारे बाबा के सामने आई। कई अखबारों ने बाबा के बारे में उल्टा सीधा लिखा। एक बार एक अखबार ने बहुत कुछ बाबा के बारे में उल्टा लिखा तो बाबा ने उनको उत्तर में पत्र भिजवाया कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो बिगर कुछ पैसे लिए मुफ्त में हमारा इतना प्रचार किया, जिसे पढ़कर बहुत लोग हमारे पास आने लगे हैं। यह पत्र पढ़कर उस अखबार ने आगे कुछ भी उल्टा लिखना बंद कर दिया। ऐसे थे हमारे बाबा जो भूल को भी भले में बदल देते थे। बाबा के छोटे भाई को जो बाबा की बहुत इज्जत करते थे एक बार बाबा को आकर गाली देने लगे और बाबा मीठी दृष्टि देते हुए मुस्कुराते हुए रहे, तब उनको शर्म आ गई और वे बाबा के चरणों में झुक गए। इसलिए बाबा कभी कभी हंसी में कहते थे कि रास्ते चलते यह ब्राह्मण फंस गया, अर्थात ब्रह्मा बाबा फंस गया। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो हमको भी गाली खानी पड़ी। ऐसे ही बाबा इन आंदोलनों को भी खेल समझ मुस्कुराते रहते हैं। बैगरी पाठ की इतनी परीक्षाएं आईं, तो भी निश्चय में अटल बाबा सदैव मुस्कुराते हुए कहे कि बाबा बैठा है, उनके बच्चे हैं, वो आपे ही अपने बच्चों की पालना करेंगे, सावल शाह हुंडी भर देंगे। बाबा के दूसरे पद चिन्ह त्यागमूर्त। त्यागमूर्त बाबा के त्याग का तो क्या वर्णन करें। एक झटके से ऐसा अमीर जीवन त्याग, सब कुछ माताओं को समर्पण कर दिया। मैंने प्रैक्टिकल में देखा कि कैसे बाबा ने 5 अनन्य माताओं की कमेटी बनाई जिसकी मुखिया ओम राधे थी। सारे चल अचल संपत्ति उनके नाम विल कर दी। अपने बच्चों से दस्तावेज करवा लिया कि इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। और फिर त्याग मूर्त बाबा जो हम बच्चे पहने खाएं वही खाएं तथा पहने, इतने तक कि यदि कुर्ता फट जाए तो भी आग्रह करते इसको चत्ती लगा दो। अभी तो हम त्यागी तपस्वी हैं, बाबा भी तो पुराना शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं, इस शरीर रूपी वस्त्र को भी चत्तियां लगती रहती हैं, तो मैं चत्ती वाले वस्त्र क्यों ना पहनूं। ऐसे थे हमारे त्याग मूर्त बाबा, कभी नए मकान में भी नहीं रहे। तीसरा पदचिन्ह निर्मानता। निर्मानता की तो प्यारे बाबा साक्षात मूर्त थे। सदैव कहते
मैं तो बच्चों का सेवाधारी हूँ, तुम बच्चों की तरह पुरुषार्थी हूँ। जब यह बूढ़ा बाबा पुरुषार्थ कर पहला नंबर ले सकता है तो तुम जवान बच्चे तो मेरे से भी आगे जा सकते हो। यह तो शिव बाबा की बलियारी है जिसने इनको अपना रथ बनाया। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उन दिनों फोटोग्राफी की भी ड्यूटी मेरे ऊपर थी। सेंटर से कोई पार्टी आती थी तो भाई बहने मेरे को कहते हमारा बाबा के साथ फोटो निकालूं। हमारी बहुत दिल है। मैं बाबा को बताता तो बाबा कहते बुद्धू मेरा फोटो क्या करेंगे, मैं कोई गुरु गोसाई थोड़े ही हूँ जिसका फोटो घर में जाकर लटकाएंगे। मैं कहता बाबा आपके फोटो को देख इस रथ में विराजमान शिव बाबा इनको याद आएगा, इनका दिल है, आप तो सभी के दिल लेने वाले हो ना। बाबा कहते तुम भी भगत हो, अच्छा बुलाओ बच्चों को। ऐसे थे हमारे निर्माण चित बाबा। सदैव शिव बाबा को आगे रख खुद को छिपा देते थे। आपने प्यारे बाबा के चरित्रों में भी देखा कि कैसे हम बच्चों से बच्चा बन खेल पाल भी करते तो पहाड़ों पर घूमते फिरते हुए हमारे साथ सखा का प्रैक्टिकल पार्ट भी बजाते। कभी कोई स्थूल सेवा भी सामने आती तो पहले खुद ही तगारी उठाते व गेती चलाते। ऐसे बूढ़े बाबा को सभी कामों में हाथ बढ़ाते देख आने वाले भाई बहनें आश्चर्यचकित हो खुद भी सेवा में लग जाते। यह सब कार्य करते हुए बाबा साथ साथ शिव बाबा की भी स्मृति दिलाते। कोई शिक्षा भी देते तो इतना प्यार से जो हम बच्चों के दिल में लग जाती थी। न सिर्फ हम बच्चों से प्यार के सागर बाबा का ऐसा प्यार भरा व्यवहार था बल्कि मजदूर मिस्त्रियों को भी बच्चे बच्चे कह डायरेक्शन देते, कभी ऑर्डर नहीं करते, उनसे राय भी लेते। ऐसे थे निर्माणचित प्रेम की मूर्त हमारे बाबा। ओम शांति। आगे अनुभव कल सुनेंगे। ओम शांति।